हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई आज हम खेलेंगे सस्ती वाली GTA 5। और गाइस देखो अभी मैं कहाँ फंसा हुआ हूँ, जोम्बिस के बीच। भाई ये जोम्बिस, मैं बस सब्जी खरीदने जा रहा था और ये जोम्बिस मुझे दिखे और ये लोग मेरे पीछे पड़ गए और मैं अभी पानी के अंदर घुसा हुआ हूँ। भाई मैंने सुना है ना इनको पानी से डर लगता है और मैं अभी पानी का, लेकिन ये पानी के ऊपर खड़े कैसे ये मुझे नहीं समझा अभी। चलो कोई नहीं यार, इनको ना मारना पड़ेगा। भाई ये जोम्बिस बहुत खतरनाक होए जा रहे दिन ब दिन। और देखो यार मैं अभी एक पॉन्ड में एकदम लेक है, या फिर पॉन्ड नहीं कह सकते हैं, वैसे तो ये ज़्यादातर जहाँ तक लगता है पॉन्ड ही है। और देखो मैंने एक ही ग्रेनेड में इन सबको ढेर कर दिया। और भाई मैं इधर अटक कैसे गया। चलो यार मैं ना इधर से बाहर निकल के आप लोगों से मिलता हूँ। और आप लोगों को तो लास्ट टाइम पता ही होगा यार, जोम्बी वायरस आ गया था हमारे सिटी में और यार लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। और अभी अगर मैं सिटी में आपको घूम के दिखाऊँ तो सिटी में आपको कोई नहीं दिखेगा, बहुत कम लोग दिखेंगे। तो मैं अभी आपको थोड़ा सा घूम के दिखाता हूँ, जैसे बस कार में लोग दिखेंगे आप लोगों को। तो अभी ये रहा मेरा शोरूम, वैसे ये सब छोड़ो, अभी फिलहाल मैं जल्दी से इधर से जाके दिखाता है यार। कोई नहीं है शोरूम, मतलब इस जगह पे आज सिटी में कोई नहीं है भाई, ये ज़ॉम्बीज के डर के वजह से। बड़ू वायरस के वक्त तो तब भी लोग घूम रहे थे। और गाइस यार ये जो ज़ॉम्बी वायरस आए इसके कारण यार बड़ू वायरस चुटकी में पता नहीं घुल कैसे हो गया है, अभी दिख ही नहीं रहा है भाई कोई भी बंदा जो अफेक्टेड है बड़ू वायरस से। अभी यार बस ज़ॉम्बीज ही दिख रहे हैं। चलो कोई नहीं यार, सब ना ज़ॉम्बीज बन जाए भाई। यार गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा टेंस्ड है, वो लोग भी कोई नया एकदम वैक्सीन बनाने वाले, पता नहीं कब तक बनाएंगे यार, उनको तो रिसर्च करने में भी टाइम लगेगा। अभी देखा गाइस यार आप लोगों को एक भी इंसान दिखा, बस कार ही दिखे होंगे। तो अभी यही सीन है गाइस यार, कहीं भी नहीं है, मतलब देखो गाइस यार इधर बस वो लेमनेड वाला बंदा है भाई, इसको इतने पैसे की क्या ज़रूरत है भाई, तब अभी भी बेच रहा है यार। ज़ॉम्बीज आके खा के मार के चले जाएंगे तब समझेगा तू। अभी चलो कोई नहीं, अभी यार मैं ना रीची के घर जाने वाला हूँ। रीची पता नहीं क्या कर रहा होगा, उससे तो मैंने बातें भी नहीं किए थे, कितने दिन हो गए। और अभी मैं जल्दी से रीची के घर चलता हूँ। और आगे बढ़ने से पहले आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर देना एंड एंड तक देखना वीडियो को, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो ये रहा रीची का घर। और भाई स्लो मोशन तो अलग ही चीज़ है, ये देखो भाई अभी ना कुछ दिनों तक मतलब यार आज से मैं सोच रहा हूँ कि यूज़ करूँ ये जो एबिलिटीज़ है, जैसे रीची का फ्रीज करने का, जैक का स्लो मोशन कर देने का, ये सब मैं यूज़ करूँगा अब से। अभी मैं अरे भाई अटक कैसे गया, अरे भाई मैं तो दीवार में ग्लिच होकर अटक गया। चलो कोई नहीं, मैं फिर से कार में बैठता हूँ और इसको मैं इधर रख देता हूँ और अंदर जाके देखता हूँ रीची कहाँ है। अरे भाई 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 जल्दी इधर रह। ओके रीची तो घर में है रीची, वैसे रीची तो मुझे कहीं दिख नहीं रहा है, अरे होगा घर में कहीं। अभी रुको गाइस यार, गेट बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, देखो स्लो मोशन करके रखा था। तो अभी रीची तो इधर नहीं है, रीची ओ भाई रीची तो है ही नहीं इधर, रीची कहाँ चला गया। ओ नहीं भाई ऐसा तो नहीं हो सकता, मैंने उसको बस फ़ोन में एक बारी फ़ोन करके कहा था भाई तू घर से बाहर मत निकलना, अभी ज़ॉम्बी वायरस हो गया है लोगों को, और ऐसे भी तू तो नॉर्मल हो गया, आपको तो पता ही होगा रीची जो था पहले बच्चा था लेकिन अभी वो नॉर्मल हो गया है, जो कि काफ़ी सही है। अभी छोड़ो कोई नहीं, अभी मैं जल्दी से जल्द चलता हूँ इस कार को लेकर भाई। लेकिन रीची गया कहाँ, ये तो एक मुश्किल वाली बात है। अभी मतलब यार एक क्या ही बताऊँ यार, बहुत डरावनी बात है कि रीची कहाँ चला गया। वैसे रीची ना हमेशा इसी ग्रॉसरी स्टोर में आता है, मैं इससे बात करके देखता हूँ कि इसने कहीं रीची को देखा तो नहीं है। ओ अंकल भाई आपने क्या रीची को देखा है, मेरा एक प्यारा सा दोस्त है जिसका नाम है रीची और वो आपकी शॉप में आया करता है। नहीं नहीं मैंने तो किसी रीची को नहीं देखा, हाँ मुझे ये पता है कि रीची मेरे शॉप में आता है और वो, हाँ मुझे पता है रीची मेरे शॉप में आता है, लेकिन मैंने उसको देखा नहीं था, वो कितने दिनों से नहीं आया, पता नहीं वो क्या कर रहा है। अच्छा वो बहुत दिनों से नहीं आया आपकी शॉप में, ठीक है मैं चला अभी, थैंक यू ये बताने के लिए। अभी यार आप लोगों ने सुना रीची इधर भी नहीं आया, रीची भाई इधर ही आता है और कहीं जा आता ही नहीं है, मतलब बस चीज़ें खरीदने इधर ही आता है। अभी पता नहीं गाइस अब क्या हो सकता है, वो कहाँ गया भाई, गुल फिर से किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया ना, अरे भाई वो हमेशा गुल क्यों हो जाता है। अभी चलो यार कोई नहीं, अभी मैं जल्दी से जल्द इधर चलता हूँ अपने कार में बैठता हूँ। वैसे मुझे भी बुला रहा है, वैसे मुझे अभी कौन बुला रहा है भाई, ये मुझे पीछे, अरे ये कौन है, अरे ये तो रीची है। ओ भाई रीची तू कैसा है, तुझे तू ज़ॉम्बी कैसे बन गया भाई। देख जैक मैं तेरा वही दोस्त हूँ जिसको इन ज़ॉम्बीज़ ने ज़ॉम्बी बना दिया है। और जैक मैं मरने से पहले एक बात तुझे बताना चाहता हूँ कि वो जो उधर लैब है उसी लैब से जितने भी ज़ॉम्बी, ये जितना जो भी ज़ॉम्बी वायरस है उधर से ही फैला है, और वो जो ज़ॉम्बी वायरस है एक ही साइंटिस्ट ने बनाया है, वो एविल साइंटिस्ट, उसको तू मार देना ठीक है भाई, मारना मत उसे, एंटीडोट निकाल के मार देना,
फिलहाल तू मुझे गोली चला के मार दे। देख अगर तू मुझे अभी नहीं मारेगा तो मैं भी तुझे काट कर ज़ॉम्बी बना दूंगा। गलती से यार मैं कुछ नहीं कर सकता, इससे अच्छा तू मुझे मार दे और ये जो राज मैंने तुझे बताया है जल्दी से जल्द सबको बता दे। मैं तुझे कैसे मार सकता हूँ रिची, तू मेरा इतना अच्छा दोस्त है, मैं तुझे कैसे मार सकता हूँ, मैं तुझे कैसे मार सकता हूँ, हम लोग बचपन से ये इतने अच्छे दोस्त है। रिची मैं तुझे कैसे मार सकता हूँ, रिची को मैंने मार दिया भाई, रिची रिची सच में तू मर गया यार, मेरे पास कोई चारा नहीं था। रिची चल मैं तेरा बदला लेकर रहूँगा, रिची मैं तेरी कसम खा कर कहता हूँ मैं तेरा बदला लेके रहूँगा, जिसने तुझे ज़ॉम्बी बनाया उसको मैं नहीं छोड़ूंगा, उस साइंटिस्ट को भी नहीं छोड़ूंगा। रिची मैं तेरी शपथ लेता हूँ, चल रिची तू मेरे घर चल। तू तो मर गया रिची, चल यार माफ़ करना मैं कुछ नहीं कर पाया तेरे लिए, बट मैं ज़रूर तेरा बदला लेकर रहूँगा। चल रिची अलविदा यार, पता नहीं यार रिची तू स्वर्ग में जाके अच्छे से रहना, लेकिन जो भी हो रिची बाय बाय यार। गाइस आप लोग भी कमेंट्स में रेस्ट इन पीस रिची स्पैम कर दो यार, वरना यार रिची की शांति नहीं, रिची को शांति नहीं मिलेगी उसकी आत्मा को। भाई रिची को देखो यार, इसको क्या हम लोग किसी भी तरीके से ठीक नहीं कर सकते, रिची तो मर गया यार। नहीं रिची ऐसा नहीं हो सकता है तेरे साथ। रिची रिची मैं तुझे अफसोस नहीं बचा पाया, और मुझे इस बात से तो और भी दुख लग रहा है कि मैं नहीं तुझे मारा यार। रिची भाई तू जहाँ भी हो रहना ना ठीक से रहना भाई। अभी गाइस रिची तो मर गया है यार, मैं इसको घर ले चलता हूँ, काश ये ज़िंदा हो जाए, लेकिन यार ये ज़िंदा हो भी गया तो और कोई फ़ायदा नहीं है, जब तक एंटीडोट नहीं बनता है ना गाइस रिची ज़ॉम्बी का ज़ॉम्बी ही रहेगा। सो अभी मैं ना इसको घर ले जाता हूँ, और गाइस यार आप लोग अगर चाहते हो कि मैं रिची का बदला लूँ तो लिखो रेस्ट इन पीस रिची पार्ट 3, लिखना गाइस यार आप लोग याद से। अभी यार रिची तो इधर रह बेड पे, अभी मैं चला किरिल के पास यार, मैं बदला लूँगा, अभी मैं मास्टर प्लान बनाने वाला हूँ किरिल के साथ, भाई मिलकर मारेंगे यार तू भाई रिची, मैं तुझे क्या बताऊँ रिची, तो इधर चुपचाप सो हाँ ठीक है। चल रिची अलविदा, अभी मैं वापस आऊँगा फिक्र मत कर। और यार मैं इससे बातें ही क्यों कर रहा हूँ, ये बेचारा है ही नहीं जिंदा, तब भी मैं इसका डेड बॉडी लाया, क्या कर सकते हैं यार, मेरा अच्छा दोस्त है ना। अभी गाइस यार आप लोग बताना कि आप लोगों को दुख हो रहा है कि नहीं, भाई दुख तो होना चाहिए यार, रिची मर गया अपना सबसे अच्छा दोस्त, अभी यार इससे ज़्यादा बुरा चीज़ क्या हो सकता है। गाइस मैं बदला लूँगा यार रिची का, ये जो कुर्बानी है खराब नहीं जाने दूंगा गाइस, खराब नहीं जाने दूंगा। अभी मैं किरिल से जो है ना मास्टर प्लान बनाने वाला हूँ। किरिल किरिल तुझे पता है मैंने रिची को मार दिया है, क्योंकि यार रिची ना ज़ॉम्बी बन गया था इसलिए मैंने रिची को मार दिया है, तू कैसे भी करके। और रिची ने मुझे मरते मरते एक राज बताया कि जो ये वायरस है ज़ॉम्बी वायरस, ये जो ज़ॉम्बी वायरस है वो लैब वाला साइंटिस्ट बना रहा है, तो प्लीज़ तुझे कैसे भी करके किरिल, तू इतना मस्त हैकर है, इतना सही बुद्धिमान बंदा है यार, रिची की कुर्बानी जो वह मतलब खराब नहीं जानी चाहिए यार, हम लोगों को बचाना पड़ेगा इस सिटी को। हाँ तूने तू कैसे मार सकता है यार, तुम दोनों हम तीनों इतने अच्छे दोस्त हैं, तो रिची नहीं रहा इसका मतलब, यार जैक तू फिक्र मत कर, मैं रिची की कुर्बानी खराब नहीं जाने दूंगा जैक, जैक मैं नहीं जाने देने वाला रिची की कुर्बानी खराब, मैं ऐसा मास्टर प्लान बनाऊंगा कि वो जो साइंटिस्ट है वो रिची को जिंदा करने का भी एक दवाई बनाएगा, मतलब एक एंटीडोट बनाएगा, एंड यार ज़ॉम्बी वायरस से भी बचाने वाला एक एंटीडोट बनाएगा। चल ठीक है ठीक है किरिल, किरिल मैं घर चला, अभी मैं बदला लूँगा, अभी गाइस मैं बदला लूँगा उस साइंटिस्ट से, उसकी वजह से आज मेरा दोस्त नहीं रहा। अभी मैं जल्दी से जल्द घर जाता हूँ अपने, और देखते हैं रिची क्या कर रहा है यार, वो तो ज़िंदा नहीं होने वाला, मुझे कुछ नहीं पता यार, मुझे नहीं पता रिची अगर ज़िंदा नहीं हुआ तो कैसे चलेगा गाइस, भाई वो मेरा इतना अच्छा दोस्त है, हम लोग ने कितने अच्छे वक्त बिताए थे। रिची अभी
रिची तू कहाँ है भाई? रिची तू कहाँ गया? अरे यार अब रिची कहाँ चला गया? वो तो मर गया था, तो उसकी बॉडी क्या राख बन गई क्या खुद ब खुद? वैसे ऐसा हो ही सकता है दोस्तों, आज मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आप लोग पार्ट थ्री चाहिए ना, चाहिए कि नहीं चाहिए बताना। तो गाइस सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को भी लाइक कर देना, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलो बाय बाय।